तो हे गाइस नमस्कार, वेलकम आप सबका फिर से हमारी सो ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन चैनल पर, और आप बने हैं मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। साथ में उम्मीद रखता हूँ कि आप भी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑर्नामेंटल प्लांट, जिसे हम कोलियस प्लांट के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा इसके लीव्स होती है, इसकी पत्तियाँ देखने में काफ़ी ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्यूटीफुल हम कह सकते हैं। इस पर कई सारे कलर मिल जाएंगे जो कि आपको देखने में बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से इसकी कटिंग भी चल जाती है। मतलब आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी इसकी प्रोपोगेट, इसकी रूट डेवलप हो जाती है और आपके पास एक बहुत ही सेपरेट पौधा बन सकते हैं। लगभग 6 दिन में 7 दिन में इसकी कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, एक अच्छी रूट बन जाती है, जिससे कि आप उसे फिर से किसी नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी कटिंग आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और इसकी अपडेट वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कब तक इसमें रूट डेवलप होती है। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी हम कटिंग लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी जो स्टैम्प होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मॉइस्चर होती है। तो इसकी कोई भी कटिंग आप किसी भी स्टैम्प को चुनाव कर सकते हैं, चाहे आप मोटी ले लें या फिर पतले। तो चलिए हम एक पतला सा कटिंग लेते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं या अंदर से ये आप देख सकते हैं। चलिए पतली सी कटिंग ले लेता हूँ, और लगभग 4 इंच की कटिंग आपको लेनी है। इस तरह से नीचे की जो पत्तियाँ होती है उसे हमें हटा देनी है, नीचे की पत्तियाँ इसे रिमूव कर देनी है, और लगभग 4 इंच की कटिंग हमें लगानी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से पत्तियों को हमें रिमूव करना है दोस्तों, और बहुत ही आसानी से ये चल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी सी तिरछी कटिंग ले लेंगे, जो कि नोड एरिया होगी। नोड एरिया हम उसी को बोलते हैं जहाँ से पत्तियाँ को हम रिमूव करते हैं, जहाँ से 2 पत्तियाँ साइड से निकलती है उसे, उसके नीचे जस्ट हम कट करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ हम नोड एरिया बोलते हैं। और अब इसे हमें मिट्टी में लगभग 2 इंच हम डीप करेंगे। इसके लिए सॉइल लेंगे हम 50% नॉर्मल मिट्टी और 50% रेत, बजरी जिसे बोलते हैं, दोनों को हम मिला देंगे। खाद हम इसमें किसी तरह का नहीं डालने वाले हैं, सिर्फ कटिंग लगाने के लिए हमें नॉर्मल मिट्टी चाहिए होता है और वेल ड्रेन मिट्टी। ये आप देख सकते हैं इस पर हम ये स्टेम को हम लगा देंगे। नॉर्मल है दोस्तों, बहुत ही जल्दी ये लग जाती है, आप इसकी अपडेट में आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरह से हल्की सी पुश करेंगे और हम इसमें वाटरिंग करेंगे, और ठंडक वाली एरिया में जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल बनती हो किसी पेड़ पौधे के नीचे हम रख देंगे, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इस पर रूट डेवलप हो जाएगी। और ध्यान रहे इसकी ड्रेनेज होल, जो नीचे की होल होती है उसे हमें बनानी होगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कटिंग को लगाने के लिए, इसके नीचे के होल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने वाटरिंग की है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर था वो निकल आई है। चलिए मैंने इस जगह पे प्लेस की है, जो कि आप देख सकते हैं हमारे एरिका पाम है, उसके नीचे मैं रख दिया हूँ जहाँ पर थोड़ी ठंडक और हवा भी मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद, देखते हैं कब तक इसमें रूट डेवलप हो जाती है। आठ दिन बाद चलिए दोस्तों इसकी क्या हाल है हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी कई सारी पत्तियाँ निकल आई है, जाहिर सी बात है अब इस पर रूट डेवलप हो गई होगी। तो चलिए मैं आपको इसको इसकी मिट्टी को निकाल के दिखाऊंगा, देन इसकी रूट जो है कितनी रूट डेवलप हुई है उसके उसकी भी मैं आज आपके साथ रिजल्ट को शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। आप देखिए मैं इसकी पूरी रूट बॉल बाहर निकालूंगा, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से हमें कट लगाएँगे और इसकी रूट बॉल को निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रूट डेवलप हुई है। ये आप देख सकते हो दोस्तों ये बहुत ही नॉर्मल प्लांट है, आप चाहें तो इसको इसे सीड से भी लगा सकते हैं या फिर कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाना सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी प्रोपोगेट, मतलब बहुत जल्दी इस पर डेवलप होती है रूट, तो एक सेपरेट पौधा हमारे पास बन सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सारी रूट डेवलप हो चुकी है। अब इसे आप किसी भी गमले में शिफ्ट कर दें, ये एक नया पौधा आपके पास बन जाएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, देन चैनल पर अगर आप नए होंगे तो इस चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू एंड टेक केयर।